नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी जितने भी लड़के लड़की महिला पुरुष जो भी बेरोजगार हैं, उन्हें मैं यहां पर लाइव दिखाऊंगा कि कैसे होता है 1 करोड़ रुपया महीने तक कमा सकते हैं। जिसने कमाए हैं वो भी आपको यहां पे दिखेगा। सबसे बड़ी बात, उसने तो बहुत पैसे लगा के कमाए हैं, बहुत पैसे और बहुत मेहनत करके लगाए हैं। आपको यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट करना है, फुल प्रोसेस सारा कुछ आपको लाइव दिखेगा, फुल प्रोसेस आपको लाइव दिखेगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे, सतीश भाई से, जो सतीश के वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको कहूंगा कि इनकी ये वीडियो देखिए, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सतीश भाई, मैं आपसे थोड़ा सा ये माफी चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी वीडियो का एक पार्ट मुझे यूज करना है ताकि लोगों को पता लग सके और जो आप काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो उसमें लोग आगे बढ़ सके, मतलब कमाई कर सके घर से। तो माफ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा सा पार्ट आपका ले रहा हूं आपकी बिना परमिशन के, प्लीज माफ कीजिएगा। चलिए मैं आपको यहां पे वीडियो दिखाता हूं ये, तो आप ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कितना पेमेंट बन रहा है अभी? फाइनलाइज हुआ है मेरा $21,000 एक अकाउंट लास्ट मंथ। हां, मतलब तो $21,000 का मतलब आप समझते हैं लगभग 17 लाख रुपए। और करते क्या है, ब्लॉगिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इनके पास क्या कुछ है। 17 ब्लॉग के ओनर हैं ये राकेश प्रेवा। तो $21,000 इन्होंने कमाए हैं। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। $21,000 हुआ है फाइनली। ओके, तो दिखाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दिखाइए भाई, हाईएस्ट कितना गया था भाई एक महीने का? एक महीने का हाईएस्ट $1,16,000। अमेजिंग, दिखाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं। $1,19,000 हुए हैं, ऑलमोस्ट 1,01,00,000 रुपए। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे। सतीश भाई, मैंने आपकी इतनी सी ही वीडियो, करीब 32-33 सेकंड की वीडियो मैंने आपकी यूज की है ताकि लोगों को देख सके। अब आगे की वीडियो आपके चैनल पे ही देखेंगे जिन्हें भी देखनी है। तो यहां तक मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ब्लॉगिंग में पैसे हैं, ब्लॉगिंग में बहुत पैसे हैं अगर आप उसे अच्छे तरीके से करें। इन्होंने क्या किया हुआ है, मैंने पूरी वीडियो देखी है। इन्होंने न्यूज वेबसाइट खोली हुई है, टेक वेबसाइट खोली हुई है और बहुत सारी वेबसाइट्स इन्होंने खोली हुई है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी वेबसाइट्स इन्होंने खोली हुई हैं अलग अलग, वो सारी आपको एक जगह पे मिल जाती है, tvcfeed.com पे। ये सारी कैटेगरी आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाती है। और अगर, सबसे बड़ी बात, अगर आपको यहाँ पे आपके लायक कैटेगरी नहीं मिलती तो आप मुझे पर्टिकुलरली मैसेज कीजिएगा और मैं, अगर आपके पास 10 से 15 पोस्ट हैं और अच्छी वाली पोस्ट है तो आपके लिए कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 कैटेगरी मांगे, मैं 50 कैटेगरी दूंगा, लेकिन आप पोस्ट तो लेके आइए। अब यहाँ पे ये देखिएगा, इनके पास 17 हैं, 17 ब्लॉग इन्होंने लिखे हुए हैं। अब 17 के 17 ब्लॉग के लिए इन्होंने वेबसाइट भी बनाई है, इन्होंने डोमेन भी लिया है, इन्होंने SEO भी कराया है, इन्होंने सारी चीजें, मतलब बहुत सारा खर्चा किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ इन्होंने यहाँ पे लिखना शुरू किया और सब चीजें आ गई, ऐसा नहीं है। आप ये वीडियो देखिएगा ध्यान से, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये वाली वीडियो का, ठीक है? तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। यहाँ पे देखिए आप, ये कितना है, 99,000 रुपए, 99,07,172, लगभग 3,000 रुपए की भी कमी नहीं रहती, 2,900 रुपए की कमी रहती है, 1 करोड़ रुपया है एक महीने का, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप यहां से कमा सकते हैं TVCFeed से। अब मेन चीज क्या है, इन्होंने कहां से शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है न्यूज वेबसाइट से। हमारे पास कैटेगरीज में न्यूज भी है, ठीक है? अब न्यूज कहां से लेते हैं, ये न्यूज ये डालते हैं फॉरेन की न्यूज। हमारे यहां पे $5,000 पे फिलहाल कितना आ रहा है, सॉरी 5,000 व्यूज पे कितना आ रहा है, $1। इनके 5,000 व्यूज पे आ रहे हैं $10-15। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज लिख रहे हैं ना, ये सारी की सारी विदेशी, मतलब फॉरेन न्यूज है, US UK की न्यूज है, ठीक है? हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं हाउ आर द पीपल विद द नेम्स स्टार्टिंग सी, मोटिवेशन, मतलब हमने देखो कैटेगरी दी है आपकी, आप इसमें भी लिखो, लेकिन बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, हम वो चीजें लिख रहे हैं जिन्हें मैक्सिमम लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे एक चीज और भी कही है, ट्रेंडिंग पे आप जाओ और दूसरा उस टॉपिक पे भी आप लिखो जिस पे कोई नहीं लिख रहा, तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी, दैट मीन्स कि आपकी पोस्ट रैंक होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज दिखाई है और बहुत ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप इसको जाके यहाँ पे देखेंगे। जी हाँ, इन्हें जाके यहाँ पे देखेंगे, 31 मिनट की वीडियो है और ये 31 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ बना सकती है, ठीक है? इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो का।
और सबसे बड़ी बात, ये टीवीसी फीड को ज्वाइन करने के लिए आपको ना तो कोई पैसे देने की जरूरत है, ना कोई डोमेन खरीदने की जरूरत है, ना कुछ आपको बंद के रहने की जरूरत है कि आप एक ही कैटेगरी पे लिखेंगे, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, मोटिवेशन है, न्यूज़ है, ट्रेंडिंग जॉब्स है, म्यूवीज है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स वास्तु गवर्नमेंट स्कीम और भी बहुत सारी यहाँ पे आपको ये मिल जाती है। ये यहाँ पे कैटेगरी तो है, आप कहें तो मैं आपको इसमें और भी कैटेगरी देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में आपने कुछ खास नहीं डाला है, स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं डाला, आप स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट्स जाके देखिए, एक एक दिन में मिलियंस मिलियंस व्यूज हैं, तो स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हैं। आप वास्तु डिविजनल में तो डल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम में आपने कुछ खास नहीं डाला, परमानेंट सर्च होती है। हेल्थ एंड फिटनेस में बहुत से लोगों ने डाला हुआ है। मूवी एंटरटेनमेंट में आप ध्यान रखिया कीजिए, जब भी कोई मूवी आए उसका रिव्यू आपको यहाँ पे देना है, जिसकी भी पोस्ट होगी पैसा तो उसी का बनेगा। ट्रेंडिंग जॉब्स एंड रिजल्ट में सरकारी रिजल्ट पे डेली 5-7 जॉब पोस्ट होती है, आप भी किया कीजिए। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, या कुछ भी आप जो नई गाड़ी आती है, नया मोबाइल आता है, आप कहें तो हम यहाँ पे एक मोबाइल का ऑप्शन दे देते हैं, अगर आप कहोगे तो न्यू और अपकमिंग मोबाइल्स का ऑप्शन हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, जिसमें कि आपकी एक और कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहें तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आप कैटेगरी तो बनाओ, आप 5-7-10 पोस्ट तो लिखो, कैटेगरी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अभी 17 कैटेगरी मिली है, हम इसमें 20 कैटेगरी भी कर सकते हैं, हम इसमें 30 कैटेगरी भी कर सकते हैं। आप लिखने वाले बनो, पैसा जितना यहां से आता है, जैसे यहां पे 1 करोड़ रुपया इनका बना था तो 30% तो गवर्नमेंट का टैक्स हो गया सीधा सीधा, बाकी इनका अपना खर्चा जो इन्होंने राइटर्स वगैरह रखे हैं उनका खर्चा, वही चीज इनकी यहाँ पे पैसे लगा के आ रही है, वही चीज आपकी यहाँ पे वायरल कंटेंट पे आपकी बिना पैसे लगाए आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज समझिएगा, ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे सर्वाइव होना बहुत बड़ी बात हो गई है। यूट्यूब पे सर्वाइव होने के लिए आपको कंटेंट प्लस आपका फेस भी कई सारी चीजों में दिखना चाहिए और आपको रेगुलर होना पड़ेगा, ये सारी चीजें। दूसरा, यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जबकि ब्लॉग में अभी इतना कंपटीशन नहीं है। यूट्यूब का चैनल तो आज कोई बच्चा भी है ना, 8वीं 7वीं पास भी बच्चा है, वो क्लास में जाता है तो उसका भी यूट्यूब चैनल हो गया, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं करता वो, ब्लॉगिंग करने वाले बहुत कम है और ब्लॉगिंग को सर्च करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। हालांकि सर्चेज अगर बात करें तो यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ब्लॉगिंग पे कमाई यूट्यूब से कहीं ज्यादा होती है, YouTube से कहीं ज़्यादा कमाई ब्लॉगिंग पे होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मुझे याद है कि मैंने अपने एक ही ब्लॉग से, मैंने कई बार दिखाया है, $198 एक दिन में कमाए हैं, एक दिन में $198 सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट से। ठीक है, तो आपको मैं ये कहता हूँ, इस वेबसाइट से जुड़िएगा, ये वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, आप कर कैसे सकते हैं, आप किस टॉपिक पे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पैसे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें डिपेंड आप पे ही करती है। आप एक दिन लीजिए, दो दिन लीजिए, तीन दिन लीजिए, समझिए, लेकिन पोस्ट आप ऐसी लिखिए कि लोग एक बार पोस्ट पे आपकी आ जाएं और वो सर्चेज में आपकी पोस्ट आए। जी हाँ, आपकी पोस्ट सर्च में आए, उसके लिए आप बेहतर से बेहतर, जैसे यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 लाइन लिखी, पोस्ट खत्म, ना उसमें कीवर्ड्स डालेंगे, ना हैशटैग डालेंगे। कीवर्ड्स आपका एक पर्टिकुलर वर्ड्स होता है, 2 से 3 वर्ड्स आप उसमें मैक्सिमम डाल सकते हैं। हैशटैग में आप 200 वर्ड्स तक डाल सकते हैं, हैशटैग में 200 वर्ड्स तक डाल सकते हैं। ठीक है, आप समझिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये इस तरह से वेबसाइट खुलती है। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में मैंने क्लिक किया, इस तरह से वेबसाइट ये खुल जाती है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चुननी होती है, ठीक है, आप इनमें से कोई भी कैटेगरी चुन सकते हैं जिस पे आप लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको टाइटल देना है, Image 1, Image 2, Image 3, आप मैक्सिमम 3 इमेज तक चुन सकते हैं। हाइलाइट्स में क्या होता है, हाइलाइट्स में आपको मैक्सिमम 2 से 3 या 4 लाइन देनी होती है, 3 या 4 लाइन देनी होती है शॉर्ट फॉर्म में, कि आपने किस चीज के बारे में बताया है, क्या बताया है, कब से शुरू हो रहा है, कैसे। मान लिया आप कोई गवर्नमेंट स्कीम उठा के लेके आए हो लोन वाली, तो यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे लोन फॉर बिजनेस या लोन फॉर होम, या इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट दे रही है आपको 3 साल के लिए लोन, या इस तरह से, मतलब ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है कि जिससे बंदा अट्रैक्ट हो जाए। पहली हाइलाइट्स में आपको वो चीजें लिखनी है जिससे बंदा जो पढ़ने वाला है वो अट्रैक्ट हो जाए। कीवर्ड्स में लिखना है आपको गवर्नमेंट स्कीम या लोन, जो कि मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं एक टॉपिक की बात करूँ, पता लगे आप मोबाइल का वहां पे वो लिख रहे हैं, मोबाइल की पोस्ट लिख रहे हैं और कीवर्ड्स में लिख रहे हैं गवर्नमेंट लोन, ऐसा नहीं करना है आपको। आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं उसी का कीवर्ड्स आपको देना है, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम पे लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम लिखिए, लोन पे लिख रहे हैं तो लोन पे लिखिए, स्टॉक मार्केट पे लिख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट लिखिए,
ऐसा नहीं है कि आप वहाँ टॉपिक लिख रहे हैं वास्तु और डिवीजनल और नीचे लिख रहे हैं स्टॉक मार्केट, सेम चीजें होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे पूरा जितनी बड़ी पोस्ट जितना मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आप वो कहानी लिखने लग गए हैं जिसे लोग पढ़ ही नहीं रहे। शुरू कीजिए, ऐसा कीजिए जो आपको पढ़ के खुद अच्छा लग रहा हो, जिसे पढ़ के आपको खुद अच्छा लग रहा हो, जिसे पढ़ के आप खुद मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। टैग्स में नीचे आप 200 वर्ड्स देते हैं, यहाँ पे पहले आप लगाएंगे इस तरह से हैशटैग और इस तरह से आप ये एक एक करके लिखते चले जाएंगे, देखिए ठीक है, इस तरह से आप ये एक एक करके लिखते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और ध्यान रखिए कहीं से कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप भी पैसा कमा सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको किसी को अपनी ऐड लगवानी है तो ऐड भी यहाँ पे लगाई जाती है। बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत ही चमत्कारिक ऐड लगने वाली है जिसे आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल फ्री में रहेगी और बहुत जबरदस्त रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए, ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको और कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग एक एक वेबसाइट बनाओगे, एक एक कैटेगरी पे बनाओगे। इस तरह की वेबसाइट पे जाके आप सारी चीजें लिख सकते हो। 17 तो कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी है, इनके पास 17 वेबसाइट है तो 17 कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी कैटेगरी ऐड हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।